ब्रह्मा ने कह दिया, नारद तत्वों को मैं नहीं जानता, निरंतर तत्व में से आदि पुरुष प्रकट हुआ, आदि प्रकृति प्रकट हुई। पुरुष को हमने आदि शिव कहा, प्रकृति को हम आद्य शक्ति कहते हैं। हे नारद, जो कुछ दुनिया में दिखाई देता है शिव शक्ति का विस्तार है, और कोई है ही नहीं। इसलिए हमें हमारे सबके माता पिता शिव और शक्ति है, और हमारे सनातन में शिव और शक्ति की उपासना है। शक्ति के कोई रूप में उसकी उपासना करें, शिव का कोई भी रूप लेकर आप उपासना कर सकते हैं, लेकिन हमारा मूल तो शिव और शक्ति। स्वयं ब्रह्मा ने कह दिया, नारद ये हमारा सबका मूल है, और शिव हमारा सबका मूल भी है, शिव हमारा सबका आधार भी है। शिव के बिना सब कुछ अधूरा है, शिव के बिना हमारा जीवन भी अधूरा है। और धन्य तो वह है जिनके हृदय में, जिनके श्वास में महादेव विराजते हैं, जिनको महादेव मिल गया, जिनको शिव मिल गए। ब्रह्मा ने कह दिया, नारद ये निराकार में से प्रकट हुए आदि पुरुष जिनको आदि शिव कहते हैं, उसकी रूप की हमने कल्पना की। शिष्य मंदा गिरधारी भाल चंद्र त्रिलोचन पंचवक्र प्रसन्नात्मा दश बाहु त्रिशूल, ऐसा रूप जो हमने शिव जी के रूप की कल्पना की है। हम शिव शब्द याद करने से हम यही रूप ध्यानस्थ हो जाता है कि वे जटा है, बालचंद्र है, त्रिनेत्र है, कानकुंडल पन्नक भूषणम, वासु के कंठ भूषणम, मृगधरम अंग पर विभूति भस्म, जटा जटा में गंगा, त्रिशूल डमरू, ये शिव का रूप। हम सब ने जो और वास्तव में जो शिव महापट ग्रंथ को देखे तो हमारी निराकर उपासना है। आकार तो हमारे लिए एक आधार है। और शिव के बारे में ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर वर्णन ब्रह्मा नारद जी के सामने किया है, लेकिन ये बहुत सुंदर वर्णन है और जगत सृष्टि का वर्णन है। और शिव और शक्ति के द्वारा व्यापकत्वाते भगवान विष्णु का प्रगट ही हुआ है, और शिव और शक्ति से प्रकट हुआ है। अति सुंदर दिव्य रूप जिनका है। और प्रश्न उठा, मैं कौन हूं? शिव और शक्ति ने कहा, आप प्रथम पुरुष हैं। शिव कौन है? आदि पुरुष हैं।